अच्छा ठीक है ठीक। नहीं नहीं मुझे दे दो, बात करनी। नहीं बात हो गई। नहीं नहीं मुझे प्रणाम करना है। प्रणाम कह रहे हैं? अरे मेरा प्रणाम मैं करूंगा। आप करें। अरे अभी तक तो वो गरीब घर भी तैयार नहीं हुआ है। गरीब घर तैयार नहीं हुआ है मतलब? कौन? मैं, ललित राव लोखंडे, जया के पिताजी। ललित राव लोखंडे जी बात कर रहे थे और मैंने कह दिया कि घर तैयार नहीं हुआ है। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ये कहने जा रहा था कि आपके स्वागत में हमारा गरीब घर अभी तक तैयार नहीं हुआ। नहीं 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 रुको, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ नहीं 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 देखो ये हमारे लिए कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस हालात में हैं हम उसी में मिल लेंगे। काश वैसे ही मिल पाते। अच्छा अच्छा। एक आपका बेटा बात करना चाहता है। सब ठीक है? आप बैठिए, आप बैठिए ना। कितना चलेंगे? बैठिए। हाँ सब ठीक है? सब ठीक है सब ठीक है। तू चिंता मत कर, मैं यहाँ सब तैयार कर दूंगा। अब आप नाश्ता करिए, मेरा मतलब खाइए और कल मिलते हैं। हाँ कल मिलते बेटा, कल मिलते। कल आ रहे हैं। अच्छा है। ये कल ही कहने की क्या जरूरत थी? अरे तो और क्या करता डैड, वो अपना भुर्र लेके तैयार थे और वो सुधाकर अंदर सामान डाल रहा है। एंड कैन यू बिलीव इट डैड, कैन यू जस्ट बिलीव इट, वो इंसान आज ही जाने के लिए तैयार था कपोली। डोंट वरी जय, मैं भी तैयार हूँ गरीब रिश्तेदार बनने के लिए। सी आई एम रेडी। जॉन मैथ्यू ये बैग्स लेकर कहाँ जा रहे हो? ये मेरे बैग्स हैं पीसी, मैं बाजार गई और नए गरीब बैग्स खरीद के लेके आई, पर अंदर सामान मेरा ही है। इतने सारे बैग्स? मैं आपकी गरीब रिश्तेदार बनने वाली हूँ ना, अपना सारा सामान लेके आई हूँ, कपड़े जूते परफ्यूम मेकअप बैग्स, और एक बैग में मिनरल वाटर फ्रॉम लंदन। आपसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा आपसे। क्यों? इतनी सारी गरीबी की ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद भी आपका ये हाल है? डायरेक्टर ने इतना भी सिखाया लेकिन सब गया तेल लेने। दून से तेल लेने, at least say लाविटो फेशियल मिनरल ऑयल लेने गई। Come on, say try. किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। गरीब बनना है ना, डैड और मैं मिलके गरीब बनेंगे, that's it. ऐसे होते गरीब रिश्तेदार। मैं लोखंडे जी के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। एक छोटी सी गलती और मैं जया को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। प्लीज, मैं जया को गरीब बन के कॉलेज में मिल चुका हूं, मुझे प्रैक्टिस है और मैं संभाल लूंगा। डैड बेटा ये गरीबी की एक्टिंग मुझसे होगी? डैड अब घबरा क्यों जाते हो? अब मिले हो ना मॉम को गरीब बन के कॉलेज में? हाँ एक बार वो है ना कैंटीन में बैठी हुई थी और वो जब कैंटीन से वापस आ जाओ। हाँ कैंटीन में हम कभी फुर्सत में जाएंगे डैड, अभी टाइम नहीं है उसके लिए। ओके एंड बिलीव इन योरसेल्फ। यस ऑन डैड यू कैन डू इट। यस आई कैन, आई कैन डू इट। You can do it. Yes, I can do it. We will do it. We will do it. Yes. जय मैं बोल रहा था कि तू गरीब दोस्त बनने की जिद बिल्कुल मत करना। मैं गरीब दोस्त बनने की जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गरीब घर। क्या हुआ गरीब घर को, तैयार नहीं है? वही तो एक चीज तैयार है, गरीब घर। ये है इस घर की एक खुफिया खासियत। दीपक जरा इधर आना। हाँ।
उस रेडियो के बटन को जरा घुमाना। गर्दन जाती अभी। वाओ अमेजिंग, क्या किया, क्या बनाया उसने। मतलब कि इस दरवाजे से हम अमीर और गरीब घर में आ जा सकते हैं। दरवाजे बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि आप आ और जा सको। अरे हो गया बेटा, उसे बुला, वहां से बुला। हाँ। अरे हो गया तुम्हारा मैजिक, तो आ जाओ। हाँ। घुमाना बटन। आ गया मैं। अरे तू वहाँ से गया, यहाँ से आया कैसे? अरे it must be one way, no. Actually ये one way नहीं है, लेकिन इसे खोलने का one ही way है, जो है ये रेडियो का बटन। इसे मैंने सिर्फ गरीब घर में बनाया है, अमीर घर में नहीं। वाह सर, एक्चुअली मैंने इस पूरे घर में ऐसे कई खुफिया रास्ते बनाए हैं जिससे आप कभी भी अमीर घर से गरीब घर और गरीब घर से अमीर घर जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो सर मैं चलूं? आज चलो चलो, एक आध खुफिया रास्ता पकड़ कर निकल जाओ। चल चल चल। थैंक्स मैन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह। गरीब घर तो बन गया। यस, बस अब घरवाली भी आ जाए। आ जाएगी बेटा, जरूर आ जाएगी, मैं हूँ ना। अच्छा डैड, मैं आज रात को धर्मशाला में ही रुकूंगा और सुबह उन्हीं के साथ वापस आऊंगा यहाँ पर। ओके ओके। आपको पता ना कि आप कहाँ से आए थे? हाँ वो तो पता है, पता है, पता है। चलो सी यू गाइस, बाय बाय। मुझे कहाँ से आना है? खोपोली डैड। हाँ खोपोली याद आ गया। डोंट डू दिस डैड। ना 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 ना, याद रह जाएगा बेटा। यस यस यस। ओके वहाँ वो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। खोपोली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो बैठो 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 बैठो। क्या हुआ जब? इश्क, प्यार, मोहब्बत एंड अ लॉट मोर। अभी हुआ? आज थोड़ा ज्यादा हुआ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हमें अभी निकलना है ना तुम्हारे घर के लिए। अरे उसी बात की तो इतनी ज्यादा खुशी है, तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। जया पूरी रात भर सोया ही नहीं हूँ, बार बार उठ के देख रहा था कि सुबह हुई सुबह हुई सुबह हुई, सुबह हो ही नहीं रही। वैसे नहीं, सुबह आज हमारे प्यार की होगी जय। तुम्हें पता है जय, इतनी जोर से मेरा दिल उस दिन धड़का था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और आज धड़क रहा है जब मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूं। वैसे हम जब पूना से आए थे तब तो तुम हमेशा कहते थे कि पहले मेरे घर चलो मेरे घर चलो, लेकिन अब जब वक्त आया है तो तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं घबराया हुआ? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं, कहां मैं कहां घबरा रहा हूं? क्या हाँ या ना? क्या? मैं मजाक कर रही हूँ जय। घबराने जैसी क्या बात है? वही क्या बात है? और मैं अपने बाबा को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। सच? Well done, Jay. Well done. अब टेंशन तो मुझे होने लगी है। अगर तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद नहीं आई तो? अरे मेरे घर वालों ने तुम्हें बिना देखे ही पसंद कर लिया है। ऐसे बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर उन्होंने ये कहा कि अरे इससे अच्छी लड़की तो हमारे खोपोली में ही थी, वही चाचा जी के घर के बाजू में, तो फिर
तो फिर मैं उनसे कहूंगा कि इस वक्त जो लड़की मेरे बाजू में है उससे प्यारी लड़की पूरी दुनिया में किसी के बाजू में नहीं है। तुम्हारी ये फ्लर्ट करने की आदत अब तक नहीं गई। चलो इसके पहले कि बाबा बुला ले। अरे कहाँ जा रही हो? पापा योगा कर रहे हैं। बाबा का योगा खत्म हो गया, चलो। तीन मिनट कहूंगा तब तो तुम 2 मिनट रोकोगी ना। जय चलो। अच्छा 1 मिनट, फाइनल। अरे जय लेट हो रहा है। ओहो 30 सेकंड प्लीज। जया बेटा हो गए तैयार? जाओ। वैसे मैं 30 सेकंड रुक सकती हूँ। अरे क्या कर रही हो, जाओ ना यार, बाबा देख लेंगे। 2 मिनट। अरे 2 सेकंड भी नहीं चाहिए मुझे, जाओ ना। 1 मिनट। जाओ प्लीज, जाओ यहाँ से। जाओ मैं? हाँ जाओ। जया बेटा जाओ, जाओ ना, जाओ। संभाल के बेटा, संभाल के। बहुत नजदीक से सुई जा रही है। अरे अंकल मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। अच्छा हाँ जय। दीपक मेरे भाई सब सेट है ना? अरे सब सेट है यार, तू टेंशन मत ले, आ जा। हाँ हाँ बस मैं यहाँ निकल रहा हूँ। हो गया? क्या वो घर वाले पहुंच गए क्या? जी हाँ वही तो पूछ रहा था। हाँ पहुंच गए ना। अरे जया चलो, देर हो रही है, इनके घर वाले पहुंच भी गए। फंस गई। अरे ऐसे कैसे फंस सकते हैं अंकल, अभी तो ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ है। अरे अंकल सुई फंस गई है, पेट के अंदर घुसेड़ दिया तूने मेरी। आदमी है या पजामा? ये पाइबंद जो है ना, ये गरीबी का पाइबंद, मुझे सिर्फ इस कुर्ते पर 4 दिन लगाकर घूमना है, सिर्फ 4 दिन। जिंदगी भर यूं चिपका कर नहीं घूमना है मुझे। अरे अंकल मैं लगा लूंगा, तू ला, सुई दे। अरे सुधाकर रिक्शा कर। हाँ चला सर। हाँ चल। जो भेंट वस्तुएं ली थी वो ले ली क्या? भेंट वस्तुएं? अब ये क्या है? बाबा आपने जय के सामने ही बोल दिया, मुझे उसे सरप्राइज देना था ना। सरप्राइज? ये क्या चक्कर है? तो क्या फर्क पड़ता है, 1 घंटे के बाद पता चलने वाला ही था, तो अभी पता चल गया, क्या फर्क पड़ता है? है ना? हाँ ली है ना। हाँ तो चलो। अरे सुनो ये क्या सरप्राइज क्या है? रहने दो जय। ये सुनो ना, बताओ ना क्या सरप्राइज क्या है जय? हाँ। तुम्हें ये तो पता चल गया ना कि कोई सरप्राइज है। हाँ। अब सरप्राइज क्या है ये तो सरप्राइज है ना। मुझे जानना है सरप्राइज क्या, बताओ ना पप्पी प्लीज प्लीज। ए सुधाकर जया, जिसे तुम इतना प्यार करती हो उसे नहीं बताओगी सरप्राइज क्या है? इतना प्यार करती हो? जब हम कॉलेज में थे और तुम मुझे सरप्राइज देते थे और मैं तुम्हें पूछती थी, तुमने मुझे बताया? बदला मुझसे बदला लोगी तुम जिसे तुम इतना प्यार करती हो? ना मेरी जैसी बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ? बाबा देखो ना, जय जिद कर रहा है कि मैं बता दूं कि सरप्राइज क्या है। तो बता दो क्या फर्क पड़ता है। हाँ बता दो क्या फर्क पड़ता है। मान लिया कि आप हमारे होने वाले हो। क्या? दामाद होने वाले हो, अभी तक हुए नहीं हो, समझे ना? तो हमने सोच लिया पहली बार आपके घर वालों से मिल रहे तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। अच्छा इसलिए हमने सोचा पिताजी माताजी और बहन के लिए कुछ भेंट वस्तु ली जाए। चलो। तुमने मेरी माँ और बहन के लिए गिफ्ट लिए? हाँ वो दोनों भी खोपोली गई थी ना तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारे चाचा जी को मिलने। उस दिन चौकीदार भैया ने ही तो बताया था। घर में कौन कौन रहता है? पिताजी है, माताजी है, एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है। याद है ना तुम्हें? क्या सोच रहे हो जय, वो दोनों भी वापस आ गई होंगी ना? हाँ हाँ गई हैं तो आ ही गई होंगी। ठीक है अब जल्दी चलो वरना बाबा को वापस गुस्सा आ जाएगा। कब नहीं आता?
अब ये माँ बहन का नया क्या चक्कर है? जय बेटा तो गया। जय आओ। आ रहा हूँ। अरे तू कुठे गेला होतास? तू किती हाका मारतोय तुला? काका वो आपने खत भेजने के लिए बोला था ना, वो खत मिल ही नहीं रहा था। अरे कौन सा खत? अरे हाँ हाँ या, या, याद आया या। वो खत वो लिखना था, बराबर है। अरे बेटे क्या है, वो योग आयुर्वेद यात्रा है, उनको खत भेजना था प्रबंध करने के लिए, तो अगर नहीं भेजा तो फिर वो समस्या हो जाएगी। बेटे एक काम करना, कागज और कलम लेके आना। मैं आया। आराम से आराम, तू हिलना मत। फोन कर गया था। क्या रह गया, क्या रह गया? लो चप्पल। क्या किसके? लोग निकल गए होंगे और आप हैं कि जो है। अरे 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 जाकर क्या कर रहा है, टूटे हुए पैर को चप्पल पहना रहा है, इडियट। मैं जानता हूं लोखंडे साहब के साथ मेरी मीटिंग अच्छी जाए ये तू नहीं चाहता है। सत्यवचन सत्यवचन अब उठा। हेलो। अरे कौन चुंबन? हाँ जय बोल। तू नहीं चाहता ना कि मेरे और जय की शादी हो? क्यों? अंकल ने मैसेज किया ना यार, मैं तो सिर्फ चप्पल पहना रहा था। मन तो कर रहा उसी चप्पल से ना तुझे मारूं। अरे अब क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ, तूने क्या किया? पिताजी है माताजी है, एक बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है। क्या? हाँ। अरे लेकिन वो तो मैं मेरी माँ बहन के बारे में बात कर रहा था उनसे। अरे लेकिन उसमें मेरी माँ बहन हो गई ना। क्या? अरे मतलब वो माँ बहन मेरी हो गई। तो टेंशन मत ले यार, बोल दे कि वो चौकीदार अपनी माँ बहन के बारे में बात कर रहा था। नहीं तो एक काम करते हैं, मैं चौकीदार बनता हूँ और वहां आ जाता हूँ, वहां आके उनसे बोल दूं कि मैं अपनी माँ बहन के बारे में बात कर रहा था, सिंपल। अरे मेरे भाई यहाँ कुछ सिंपल रहा ही नहीं है। क्यों अब क्या हुआ? उसने बोला तुम्हारी माँ और बहन आ गई ना गाँव से, अब मेरे मुँह से भी यहाँ निकल गई। ये तो तेरी गलती है ना, तू भी न जाए। घबराहट मेरे भाई, घबराहट में निकल गई। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम बाप बेटों की, जरा सी बात में घबरा जाते हो। तो क्या करो, रस्सी से लटक जाऊंगा? यहाँ नकली गरीबी संभली नहीं जा रही, ऊपर से ये प्रॉब्लम भी आ गई। नकली। हाँ यार नकली, और तू बार बार रिपीट क्या कर रहा है? दीपक तिजोरी के तिजोरी में एक आइडिया आया है। देख जब हम नकली गरीबी दिखा सकते हैं तो नकली माँ बहन क्यों नहीं दिखा सकते? क्या नकली माँ बहन? असली तो वैसे भी तेरे पास नहीं है ना। झूठ पे झूठ। हाँ सजन रे फिर से झूठ। भाई और कितना झूठ बोलेंगे, पहले कितना झूठ बोल चुके हम, नकली गरीबी अब नकली माँ बहन, यार हद होती है यार। भाई मैं तुझे आइडिया दे रहा हूँ, तू थोड़ी हिम्मत तो दे, और वैसे भी चार दिन की तो बात है। ठीक है मेरे भाई, जो तुझे समझ में आता तू कर, तू कर नकली माँ और बहन अरेंज। वैसे भी इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। एक रास्ता है हाईवे वाला। क्या मतलब? तुम लोग हाईवे वाले रास्ते से आना। क्या बोल रहा है तू? देख वो रास्ता लंबा है, तुम लोगों को आने में टाइम लगेगा, और उतना टाइम मुझे मिल जाएगा नकली माँ बहन अरेंज करने में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और कोशिश कर वहां से लेट ही निकले। अरे उसका ऑटो तैयार है यार, क्या करूं? अरे आग लगा दे, आग लगा दे। क्या बोल रहा भाई? अरे मतलब पंचर कर दे, कुछ भी कर दे, तोड़ फोड़ कर, लेकिन आने में टाइम लगना चाहिए, मुझे भी टाइम चाहिए। ठीक है ठीक है, कुछ करता हूँ, चल बाय। इन्हें तो रोकना ही होगा, कैसे रुकूं कैसे रुकूं? हवा निकालो क्या? हाँ एक काम करता हूँ, हवा चाबी अब जाके दिखा। चलो चलो गाड़ी चालू करो, घुमा के रख देते हैं। हाँ चलो चलो चलो। काका गाड़ी रेडी है। ये चालू कैसे हुई? चाबी से। चाबी तो? हाँ नहीं नहीं तो मेरे कमरे की चाबी कहाँ गई? चलो कोई बात नहीं, आज आपके घर में सो जाऊंगा। चाबी? चाबी यहाँ कहाँ से आई? मुझे क्या पता, चाबी तो यही थी, देखी नहीं होगी आपने। हाँ आप भी चलिए।
देख, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जापान में एक कॉन्फ्रेंस कॉल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल। मिस्टर आउं माउं चाओ को अपना मुंह दिखाना है, एक बार उसे अपना मुंह दिखा दूं फिर आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्यों अंकल, सब गड़बड़ हो गई। जय का फोन आया था, अब घर में सिर्फ गरीब बाप बेटे की नहीं, गरीब माँ और बहन की भी जरूरत है। किसने बढ़ाया ये सब, किसने बढ़ाया? अंकल हुआ यू कि मैं उधर इन शॉर्ट ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाय हाय हाय, रोकिए अंकल, 4 दिन तक और रोकिए इसको। फिलहाल हमको ये सोचना है कि गरीब माँ और बहन कैसे अरेंज करें। हाँ, ये तो मेरे ही हाथ में। हाँ बोल। अभी हमें सिर्फ किसी तरीके से एक माँ और एक बहन चाहिए। अरे एक्सक्यूज मी सर। हाँ। अरे सर, वो जापान वाले कब से वेट कर रहे हैं, आप उनको एक फोन कर देंगे तो मैं ऑफिस में जाकर अपना सारा काम कर पाऊंगी। श्योर। वैसे अब कैसी तबीयत है आपकी सर? अच्छा है, आई एम इम्प्रूविंग। थोड़ी सी सूजन है लेकिन आई कैन हैंडल इट। कंगना! अरे दीपक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो नाटक वाटक क्या करते थे ना, अभी भी एक्टिंग करते हो या कोई नया काम शुरू किया है? दीपक तिजोरी एक्टिंग के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारी तरह नहीं है कि 4-5 प्ले फ्लॉप गए तो जॉब करना शुरू कर दे। अब क्या बताऊं, मैं तो हमेशा से एक्टिंग करना चाहती थी, पर जब भी स्टेज पर आती हूँ तो घबराहट के मारे मेरे पैर फूलने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, मैं एकदम फ्रीज हो जाती हूँ। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखा सकता हूँ। सच? ओ, तू क्या लगा है एक्टिंग सिखा दूंगा? पहले मेरे लिए नकली पत्नी और जय के लिए नकली माँ ढूंढ, अब नकली बहन ढूंढ। ओ, अरे हाँ अंकल, आपके लिए पत्नी और जय के लिए Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. 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 मैं बहन नहीं बनूंगी। सर आप समझते क्यों नहीं? आपको तो पता है कि मुझे एक्टिंग से कितना डर लगता है। सर इस बात की गारंटी है कि आपको मुसीबत से बचाने के बजाय मैं आपको उल्टा मुसीबत में डाल दूंगी। Come on यार के, be a sport यार। आज तक मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और इसमें भी तुम्हें मेरी बेटी का ही तो रोल करना है। फिर व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? अरे पिसर... तुम बहन बनोगी, दैट इज फाइनल, बस। चलो बहन तो मिल गई। बीवी का क्या, मेरी बीवी कौन बनेगी? मिल गई। कौन? अरे वही जो आपको मनी मन अपना पति मानती है। कौन? मालपानी आंटी। नहीं 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 नहीं, ठीक है, और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम बहन और वो मालपानी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।